ये सब आसिफ साहब के जानने मानने चाहने वाले हैं, ये सब पार्टी के जिम्मेदारान है जो यहां पर आसिफ साहब की मोहब्बत और आसिफ साहब की सलाहियत के इतलाफ में इकट्ठा हुए। आप यहां पर आए हो, 5 साल एमएलए की ना अहली का मुंह बोलकर सबूत हो, 5 साल तक नाकारा एमएलए की नाकर्दगी का एक कहना चाहिए कि आवाज बनकर आप लोग यहां पर इकट्ठा हुए हो, ऐसा मैं मानता हूं। मगर मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि हम 3000 लोग यहां पर अगर इकट्ठा होते हैं तो हमारे शहर में 3,20,000 वोट है। हम पूरे 3,20,000 लोगों की नुमाइंदा यहां पर खड़ा है। अब अगर आप मुतमईन हो जाएंगे कि पूरा शहर आसिफ साहब के साथ है तो यह हमारा बहुत बड़ा हमारे लिए धोखे की बात है। इसे वोट में कन्वर्ट करना है, इसको वोट में तब्दील करना है कि किस तरीके से 3,000 का मजमा पूरी 3,00,000 वोटों के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इस पर हमें काम करने की जरूरत है और हमारे पास सिर्फ 2 महीना है, हमारे पास सिर्फ 2 महीना है और हमारे सामने एक ऐसा हुलिया है जो हुलिया भाई ने कहा ना कि दिल सच्चा और हुलिया झूठा। हमारा मुकाबला एक हुलिये से है, एक मजहबी शख्सियत से है जो मुंह खोलता है झूठ बोलता है, इधर से वोट लेता है और जीत के जाने के बाद घर से वोट लेता है, उसका यही धंधा है। नरेश भाई ने कहा ना इनका कनेक्शन दादा भूसे से है, दादा भूसे से कनेक्शन सिर्फ नोट का कनेक्शन है, इनका कनेक्शन दादा भूसे से तामीरी नहीं है, नोट का कनेक्शन है इनका। दादा भूसे फंड लाएगा, नटिया के उस पार काम होगा, तुम चुप रहना, तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। यही धंधा है 5 साल से, कभी इन्होंने हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं की, गरीबों का कोई ख्याल नहीं किया, गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया, गरीबों के दुख दर्द में शरीक नहीं हुए, गरीब के इनको अच्छे ही नहीं लगते, इनको तो सिर्फ सेठ लोग अच्छे लगते। दादा भूसे से करोड़ों रुपया कमीशन मिलता है, दादा भूसे से एक नाथ शिंदे से चप्पल भी मुझे संभालना पड़ेगा चलेगा, मगर एक नाथ शिंदे के साथ रहूंगा मैं, रह के आपने शहर का क्या भला किया। हमारी 5% केरपट्टी का जो मामला, हर साल 5% केरपट्टी बढ़ती है, फारूक शाह असेंबली की सीढ़ियों पर जब इंतजार कर रहे हैं तो मैंने एक दिन कहा था तुमको भी 150 मिला के पोस्टर में मालेगांव का नाम डाल देने का, 150 रुपया और लगता तुम्हारा, मगर बगैर मालेगांव के नाम के वो जाके दूसरे की शादी में डांस करने लगे। क्या हुआ नतीजा? दुनिया का मसला हल हो गया, मालेगांव के मसले पर कोई बात नहीं हुई और ये वहां से आते तो यहां पर आकर होते। मुफ्ती साहब कुछ मत कह रहा हूं तुम्हारे साथ में, ये पूरे शहर को बर्बाद करने वाला नारा है और यही नारा लगता रहेगा, दोबारा ना करे। अगर वो बंदा चुनकर आ गया हमारा शहर 50 साल पीछे चला जाएगा, 25-30 साल तो पीछे उन्होंने कर ही दिया, कोई काम नहीं करेंगे वो, काम करेंगे क्या, काम आता ही नहीं उनको, काम आता ही नहीं है उनको। वोट दो नोट दो, वोट दो नोट दो, वोट दो बीजेपी को उससे नोट दो, इतना धंधा उनको बहुत अच्छा समझता है, इसलिए एकदम मानता रहता है। अब पूरे मंत्रालय में मुंबई में
समझे दोस्तों, और उस गलती को सुधारने का वक्त आ चुका है। आसिफ साहब ने 5 साल काम किया था, उसके बाद आगे उसके पति 5 साल आकर काम करते रहे, गरीबों का काम करते रहे, गरीबों के दुख दर्द में शरीक होते रहे। अकेले नहीं, कई खाली हाजी शरीक है, कई इमरान शरीक है, बड़े साहब जिंदा देव तकबर शरीक है, तारा मेडम शरीक है, सब शरीक है। काम में गरीबों के साथ लगे हुए, आवाम के दरमियान है, जमीन पर है। और उसके अलावा आसिफ साहब ने अपने घर वालों को उतना वक्त नहीं दिया जितना आप लोगों को वक्त दिया इस 5 सालों में। शिकस्त के बाद भी, हार जाने के बाद भी, आज भी आसिफ साहब मुंबई गए हुए हैं। क्यों गए बताए आपको? आज भी आसिफ साहब मुंबई गए हैं मसाजिद और मदारिस का काम करने के लिए, मस्जिदों और मदरसों में सोलार पैनल लगाने का जो स्कीम आई है उसका पूरा प्रपोजल लेकर गए हैं। आज भी आसिफ साहब काम कर रहे हैं, वक्त निकाल रहे हैं, आज भी आवाम के लिए राजनीति नहीं करते हुए अपनी जेब से पैसा खर्च करके आवाम का काम कर रहा है। आप लोगों को सोचता है इस बात का कि आसिफ साहब का हमारे घर पर बोला ना 1,20,000 और किस तरीके से आसिफ भाई को मिलेगी, इस बात की चिंता और फिक्र हम तमाम लोगों को करना है। हमें अपने घरों में बहनों को समझाना है, अपनी बच्चियों को समझाना है, अपनी बीवियों को समझाना है, अपने रिश्तेदारों को समझाना है, अपने दोस्तों को समझाना है कि अगर ये वक्त निकल गया उसके बाद आप 5 साल रोते रहना, सर पीट लेना, वो बंदा आपका कोई काम करने वाला है, कोई काम नहीं करेगा। वो तो पूरे शहर की ओर लेके जाता है, बीवी की झोली में डाल देता है, वहां से 5 करोड़ लेकर आता है और उसके बाद सबको बोलता है अपने पास तो अपनी पैसा भी है ना, कौन सा कारोबार किया तुमने, कौन सा तेरा धंधा है, कौन सा बिजनेस किया है आपने, कौन सा जाकर पसीना बहाया है, रिश्वत का 5 करोड़ लाकर हमारे गांव के लोगों को पैसा बता रहे हैं, आज शर्म आनी चाहिए। राज्यसभा कितने वक्त ले लिया, एमएलसी के वक्त ले लिया, अभी ताजा एमएलसी के वक्त ले लिया, आप तमाम लोगों की वोटों को ले जाकर वो बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठकर उनका सौदा करते हैं कि हमारे शहर के लिए शर्म से डूब कर देकर सोचने की बात है। मगर हाँ मैं कह सकता हूं कि मैं बताऊं ही मुझे नहीं बेचा जा सकता, इसलिए मैं अपने ओर एक ऐसे लीडर को देता हूं जो मेरी वोटों को जाकर सौदा नहीं करता। यही सब हमें सब लोगों को बोलना है, हम बिकाऊ नहीं है, हमें कोई बेच नहीं सकता। इसलिए जब बोल सकते हैं जब आप अपने कीमती ओर आसिफ शेख रशीद साहब को अमानत देंगे, उस वक्त आपको नहीं बेचा जाएगा। मगर अल्लाह ना करे आप भूलिए पर चले गए, अल्लाह ना करे आप जज्बात में बह गए, अल्लाह ना करे हैदराबाद से आने वालों की बातों में आप बैठ गए, इसका मतलब आपको बार बार बेचा जाएगा, इसका मतलब आपकी ओटों का सौदा किया जाएगा, इसका मतलब आपकी ओर दिखाकर ताई को कहा जाएगा कि मेरी 1,17,000 वोट है, मेरे को इतना करोड़ नहीं होगा, देरी हो जाए, सबको खरीद लिया तुमने, मेरी 1,17,000 वोट है, देखो मेरे को इतना करोड़ दो, ताई को बोले 2,00,000 आपको वोट मिली, 1,17,000 तो मेरी है, तुम्हारी वोट है, ये पूरा शहर, ये मेरा कयूर शहर तुम्हारा गुलाम है, क्या समझ के तुम ये बोलते हो कि मेरी ओर है, हमारी ओर किसी की जागीर नहीं है, इस बात का ऐलान आप लोगों को करना होगा। कोई ये ना कहे कि मेरी ओर है, हमारी ओर है, जमहूरियत ने हमें हक दिया है, हम जाकर जिसे चाहे में उसे वोट देंगे, तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि ये मेरी ओर है, ये जज्बा हमारे अंदर पैदा करना। कैसे हम एक आसिफ शेख रशीद को देने वाला खम ठोक कर सीधा ठोक के बोल सकता है कि मुझे कोई बेच नहीं सकता, उसी तरीके से इस पूरे शहर को बोलने की नौबत आना होगा, पूरे शहर के लोगों को बताना होगा कि तुम्हारी ओर कीमती है, उससे कीमती तुम खुद हो, ऐसे आदमी को अपनी ओर मत दो जो तुम्हें ले जाकर बेच डालते हैं आसिफ की चौकी, ऐसे आदमी को ओर मत दो, अपनी गैरत को लड़काओ, अपनी गैरत को उजागर करो कि नहीं मैं कौन हूं, मुझे कोई बंबई ले जाकर बेच नहीं सकता,
लीजिए ले जाकर आरएसएस के चौकों पर बेचेगा नहीं, ये हम सबको बोले तेरी हो कहियो भाई हो आप बहुत कमजोर लोग हो। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि शेख हसीन साहब अल्लाह की जवाहर पर अब कोई नहीं है हमारे पास सरपरस्त, आप तमाम लोग सरपरस्त हो, आप तमाम लोग शिक्षा आपके सर पर हाथ रखो, आप तमाम लोग शिक्षा आपको आगे बढ़ाओ, आप तमाम लोग शिक्षा आपको चुन कर दो, इंशाअल्लाह इस शहर का काम होगा, इस शहर को कोई बेच नहीं सकता, अगर आसिफ शेख हसीन होगा इस शहर को कोई घर की चौखट पर ले जाकर उसका सौदा नहीं कर सकता, अगर आसिफ शेख हसीन होगा ये मस्जिदों मीनारों का शहर है, इसे बिकाऊ शहर मत समझो, इसे बिकाऊ शहर मत बनाओ, इसे ले जाकर बाजार बेचो मत। मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं ऐसे लीडरों को कि आप लोगों को अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरो, वोट की अमानत ये गरीब मुसलमान भाई आपको दे रहे हैं तो उसे ले जाकर बेच रहे शहर शहर को इस शहर को चलाओ, इस शहर के इंसान को बताओ कि तुम अनमोल हो, तुम्हारा वोट अनमोल है, किसी के ऐसे बिकाऊ लीडर के हाथ में मैं आप लोगों से बहुत उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आप लोग अपनी कीमत को सुनो, इंशाअल्लाह इस शहर ये मस्जिद और मीनारों का शहर की इज्जत नफ्स को समझेगा, हर इंसान हमारे गांव का हर शहरी ये कहेगा कि मैं टिकाऊ नहीं हूं, मुझे कोई पेश नहीं सकता। तो दोस्तों साथियों आने वाले समय में शक में और भी बातें अच्छे करेंगे हम, और अल्लाह के लिए आप तमाम लोग को तैयार होकर ये 3,000 का मजमा 3,00,000 वोटों को मेहनत करे और आसिफ शेख हसीन साहब को चुन कर लाए, अल्लाह आप